कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव दबा के लड़ रही है और गुजरात गुजरात की जो जनता है वो भी बीजेपी से गुस्सा है। बहुत सारे वायदे किए, वायदे पूरे नहीं हुए तो ये फीलिंग है। मगर वहां जाने से पहले मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हूं। कल मेरी बहन मेरे घर आई, और कहती है कि ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा मतलब? कहती है किचन में गई, कहती है सब कुछ तुम्हारे किचन में गुजराती है, खाकरा गुजराती, अचार गुजराती, मूंगफली गुजराती। तो आपने पिछले दो महीने में मेरी आदतें खराब कर दी हैं, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आपने मुझे पिछले दिनों में सिखाया भी काफी है। आपसे मिलकर, किसानों से मिलकर, सूरत में जो मुझे लोग मिले जिनसे मैंने बातचीत की, उनसे मुझे काफी सीखने को मिला। आमतौर से चुनाव की लड़ाई है, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई है, मगर मुझे काफी फायदा मिला है। आपके दिल की बात सुनने को मिली, गहराई से समझने को मिली, और गुजरात में क्या क्या बदलना है वो भी सुनने को मिला, और जरूर हमारे नेताओं से मिला। हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, इनसे बातचीत हुई, हमारे कांग्रेस के लोकल नेता हैं, उनसे बातचीत हुई, उससे फायदा मिला। मगर सबसे ज्यादा जो आंगनवाड़ी महिला है, किसान है, आप सब लोग हो, गुजरात की जनता, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने कल मोदी जी का भाषण देखा, पूरा नहीं देखा मगर मैंने देखा, और मैं सुन रहा था, और भाषण में 60% समय मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, कांग्रेस पार्टी ये है, कांग्रेस पार्टी वो है। देखिए, ये जो चुनाव है ये ना बीजेपी के बारे में है, ना कांग्रेस पार्टी के बारे में है, ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, ना राहुल गांधी के बारे में है। ये एक चुनाव जो है ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, गुजरात की जनता के भविष्य के बारे में। और कल पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने आपके भविष्य की बात नहीं की। मैंने सुना कि गुजरात के लिए भविष्य में बीजेपी क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। जरूर मैं अपने भाषण में बोलूंगा कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 22 सालों में बीजेपी ने ये नहीं किया, और वो तो चुनाव में हम बोलेंगे ही बोलेंगे। मगर दूसरी कमी ये है कि हमने मैनिफेस्टो बनाया, सैम पिट्रोडा जी ने, मिस्त्री जी ने, सोलांकी जी ने, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं, मैं आपको बता सकता हूं, इसमें गुजरात की जनता की आवाज है। और कैसे डाली हमने आवाज? आपसे पूछ पूछ कर, बैठकर आपके साथ, किसानों से बैठकर उनसे पूछकर, भैया बताओ क्या है। किसानों ने हमें कहा, देखिए राहुल जी, सही एमएसपी नहीं मिलती, दाम नहीं मिलता है,
तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है आपको सही दाम मिलेगा, और सिर्फ सही दाम नहीं मिलेगा, पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस सीजन में आपको इतना दाम मिलेगा कि जो आपके दिल में जो डर है वो कम हो। हर वर्ग के पास हम गए और हमने पूछा बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। कुछ दिन पहले मेरी एक मीटिंग में एक महिला खड़ी होती है, कहती है देखिए राहुल जी दाम बढ़ते जाते हैं, रो रही थी, प्रेस वालों ने देखा रो रही थी, कहती है कि देखिए राहुल जी दाम बढ़ते जाते हैं मगर हमारी जो सैलरी है वो वहीं की वहीं अड़ी रहती है, वो हिलती नहीं। मैंने जाकर मैं उनसे गले लगा और मैंने उनसे कहा देखिए आपके सामने जो समस्या है वो गुजरात में किसी के सामने नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम एक भी महिला नहीं देखना चाहते जो ये कह सकती है जो आपने मुझे कहा, और जो आप जैसे आज रो रही है आप जैसे रो रही है वैसे कभी नहीं हो सकता है गुजरात में, हम नहीं होने देंगे। तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोगों की पे बढ़ती जाएगी। आंगनबाड़ी महिलाओं से बात की, भैया ये ढोल अभी बाद में बजाना चुनाव के बाद। अलग अलग लोगों से हमने बात की और आपने हमें बताया कि भैया देखिए हमें ये चाहिए। ये काम बीजेपी ने नहीं किया है, इसीलिए भाषण में 60% समय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। यह चुनाव गुजरात की जनता का चुनाव है, गुजरात की जनता के सामने चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे मैं हूं हम बहुत छोटी चीज है, और यह आपके भविष्य का चुनाव है। पिछले 22 साल में क्या हुआ, दो तीन सवाल आपसे पूछता हूं। 22 साल से हम नर्मदा के पानी की बात सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ आपको नर्मदा का पानी मिलता है हां या ना? देखिए 45,000 एकड़ जमीन आपकी जमीन थी, गुजरात के किसानों की जमीन थी, आपसे छीनकर, हां वो आपने नाम लिया मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को आपने दी 45,000 एकड़, उसको नर्मदा का पानी दिया, उसको बिजली दी। आप जानते हो जमीन किस रेट पर दिया? 1 रुपया प्रति मीटर, और महीनों बाद उसी व्यक्ति ने आपकी जमीन 3,000 से 5,000 रुपए प्रति मीटर बेची, सरकारी कंपनियों को बेची, मगर नर्मदा का पानी आपको नहीं मिल सकता, बिजली आपको नहीं मिल सकती। नैनो फैक्ट्री लगाई 33,000 करोड़ रुपए, वो नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं था, वो आपका पैसा था। 35,000 करोड़ रुपए, सुनिए 35,000 करोड़ रुपए में हमने मनरेगा चालू किया, पूरे देश में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगे थे। उतना ही पैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रदेश में एक कंपनी को पकड़ा दिया,
हमने 35,000 करोड़ रुपए मनरेगा को चलाने, इन्होंने 33,000 करोड़ रुपए नैनो को चलाने। अब आप बताइए, आप गुजरात में घूमते हो, बाकी हिंदुस्तान में घूमते हो, आपने कभी कहीं नैनो देखी है? कहीं देखी आपने नैनो चलती हुई? तो 33,000 करोड़ रुपए आपका गया, उसमें भी पानी आपका गया, उसमें भी बिजली आपकी गई। कर्जा माफी की बात, 1,30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का इन्होंने माफ किया है। उसका 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप नाम बोलो, मैं बताता हूं कितना कर्ज है। मेरे पास लिस्ट है, किसी के पास 45,000 करोड़ रुपए है, किसी के पास 50,000, किसी के पास 80,000 करोड़ रुपए। मगर जब हम किसान के कर्जा माफ की बात करते हैं, जब हिंदुस्तान का किसान खड़ा होता है, कहता है भैया आपने इन लोगों का कर्जा माफ किया, 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया, हमारा भी कर दीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अरुण जेटली जी कहते हैं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। सीधी सी बात है, हम समझते हैं मोदी जी जेटली जी की आपकी पॉलिसी नहीं है, मगर जैसे ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 10 दिन के अंदर हम पॉलिसी बना देंगे किसान का कर्जा माफ करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा काम गुजरात के किसानों के लिए होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 33,000 करोड़ रुपए टाटा नैनो फैक्ट्री को दे सकते हो, अगर आप 45,000 एकड़ जमीन गुजरात के किसान से एक व्यक्ति को देने के लिए छीन सकते हो, तो फिर आप किसान का कर्जा भी माफ कर सकते हो। मैंने मोदी जी से सवाल पूछे, मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं और प्रेस वाले भी इसे गुजरात मॉडल कहते थे, मगर यह गुजरात मॉडल नहीं है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। गुजरात मॉडल का मतलब मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में उन्होंने मेरे लिए प्रेजेंटेशन किया, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करता है। प्रेजेंटेशन में नक्शा लगा हुआ था, नक्शे पे अलग अलग देश थे, जिन देशों में वो एक्सपोर्ट करते थे दूध, वहां पे वो नक्शे में लगे हुए थे, नक्शा लगा हुआ था। एक देश में वो दूध नहीं भेजते थे, कौन सा देश? हिंदुस्तान। तो मैंने उनसे पूछा, आप एक बात बताइए, ये क्या हो रहा है, आप सब जगह भेज रहे हो, हिंदुस्तान में आप क्यों नहीं अपना दूध भेजते हो? कहता है, राहुल जी गुजरात में एक जगह है आनंद, गुजरात और आनंद की महिलाओं से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम कंपटीशन नहीं कर सकते, बाकी सब जगह हम अपना दूध भेज सकते हैं, मगर गुजरात में और हिंदुस्तान में हम दूध नहीं भेज सकते। गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात की महिलाओं की शक्ति, गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात के किसानों की शक्ति का प्रयोग करना, गुजरात मॉडल का मतलब जो सूरत में दिन भर काम करते हैं उनकी शक्ति का प्रयोग करना, गुजरात मॉडल का मतलब आपकी जमीन का फायदा आपको देना, गुजरात मॉडल का मतलब जो गुजरात को लोग चलाते हैं उनकी बिजली उनको वापस देना, यह है गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी जी का मॉडल
उद्योगपति को, 33,000 करोड़ रुपए टाटा नैनो प्रोजेक्ट को, इनके 10-15 मित्र हैं और सबका सब ये इनके लिए करते हैं, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो सच्चाई बोले तो आपको कहेंगे कि अगर चुनाव जीतेंगे बीजेपी तो फिर अदानी जी के लिए हम ये करेंगे, टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट में हम इतना पैसा डालेंगे। मैं सवाल पूछता हूं मोदी जी से, सवाल पूछता हूं आपसे, प्रेस वाले हमारे यहां खड़े हैं आपके माध्यम से, बीजेपी ने पिछले चुनाव में वायदा किया था कि 50 लाख घर बनाएंगे गरीबों के लिए, तो पहला सवाल है मोदी जी आपने 5 लाख भी घर नहीं बनाए, वायदा किया था 50 लाख का, सच्चाई 5 लाख से कम। दूसरा सवाल, जब आप यहां आए 20 साल पहले गुजरात का, गुजरात पे कर्ज 9,000 करोड़ का था, आज तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ये पैसा कहां गया ये आप बताइए। तीसरा सवाल, शिक्षा के मामले में गुजरात हिंदुस्तान के प्रदेशों की लिस्ट में 26 नंबर पे आता है, आप बताइए गुजरात 26 नंबर पे क्यों। चौथा सवाल, आपने 3 रुपए की बिजली के लिए अपने उद्योगपति दोस्तों को 24 रुपए पर यूनिट क्यों दिया। मैंने आपसे 4 सवाल पूछे हैं, मैं आपको आप एक और छूट दे देता हूं, इन चारों सवालों का जवाब मत दीजिए, मल्टीपल चॉइस ले लीजिए, इनमें से एक सवाल का जवाब कर लीजिए, मगर मोदी जी जवाब नहीं देंगे। मोदी जी सिर्फ बीते हुए समय की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, मगर भविष्य की बात नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा भविष्य के बारे में बता देता हूं, भविष्य में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। कर्जा माफ करने के बारे में मैंने आपको बता दिया, कर्जा माफ करने के लिए के बारे में आपको बता दिया। गहलोत जी यहां बैठे हैं, जब ये राजस्थान में चीफ मिनिस्टर थे, पूरे राजस्थान में अस्पतालों में फ्री इलाज होता था, दवाइयां फ्री में मिलती थी, यही काम हम गुजरात में करने जा रहे हैं। आज आप जाते हो, कोई बीमार होता है, कैंसर होता है, दिल का दौरा होता है, पूरे के पूरे अस्पताल प्राइवेटाइज्ड हैं, एमआरआई कराओ, एक्सरे कराओ, 1,000 रुपए निकालो, ऑपरेशन कराना है तो जेब से पहले 1,00,000 रुपए दो फिर ऑपरेशन कराओ। ये हम बदलेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, सरदार पटेल जी का के नाम का हेल्थ कार्ड में हम फ्री दवाई और कम से कम पैसे में आपका इलाज कराएंगे। पच्चीस लाख घर हम बनाकर गुजरात की गरीब जनता को दिलवाएंगे और जो हमारी महिलाएं हैं, गुजरात की शक्ति है, जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जाती हैं, उनके लिए हम मुफ्त में शिक्षा दिलवाएंगे। मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, मैनिफेस्टो हमने बहुत अच्छा बनाया है और पूरे के पूरे मैनिफेस्टो को हम लागू करके दिखाएंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए जमीन आपकी है, बिजली आपकी है, पानी आपका है,
और सरकार चलेगी तो 5-10 उद्योगपतियों के लिए सरकार नहीं चलेगी। सरकार चलेगी तो गुजरात के किसानों के लिए चलेगी, सूरत में जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, उनके लिए चलेगी, गुजरात के हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए चलेगी। और आपको लगेगा 22 साल के बाद आपको पहली बार लगेगा कि कुछ बदलाव आया है। 22 साल से आपको एक आदत लग गई है, हर 10-15 दिन आप मोदी जी की मन की बात सुनते हो। हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपके पास आएंगे और आपसे आपकी मन की बात पूछेंगे। और जो आप हमें कहोगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। खोखले वायदे हम नहीं करते। देखिए, नुकसान भी हो जाता है ना कभी कभी। 15 लाख रुपए वाला वायदा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है उसको करने के लिए हम अपना पूरा दम लगा देंगे। जो भी हमें हमारे अंदर है वो हम लगा देंगे और आपको फर्क दिखेगा। आपको लगेगा कि पहली बार नर्मदा का पानी आ रहा है, लगेगा कि किसानों को लगेगा कि भाई बिजली दिन में भी मिल रही है, 16 घंटे बिजली मिल रही है। आखिरी बात मैं खत्म करने से पहले भ्रष्टाचार के बारे में करना चाहता हूं। देखिए, जहां भी मोदी जी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नोटबंदी की आप सबको लाइन में लगाया, देश के सब चोरों का पैसा, और आपने अपनी आंखों से देखा जब आप लाइन में खड़े थे, आपने बैंक के अंदर देखा कि सूट बूट वाले अपना सब पैसा बदल रहे थे, काले पैसे को सफेद कर रहे थे। आपको लाइन में लगाया और हिंदुस्तान के चोरों का पैसा काले से सफेद में बदल दिया। गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आप पर जबरदस्त चोट मारी, और इस आंधी में से एक कंपनी निकलती है, बाकी सब कंपनियां खत्म हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक कंपनी निकलती है, एक कंपनी निकलती है जो 50,000 रुपए को महीनों में 80 करोड़ में बदलती है। अमित शाह जी के बेटे की कंपनी जय शाह ज्यादा खा गया। अब पता नहीं क्या है, अमित शाह जी के बारे में पूरा गुजरात जानता है, पूरा गुजरात जानता है, पाटीदार समाज जानता है, गुजरात जानता है, सब जानते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पता नहीं क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के नाक के सामने अमित शाह के बेटे की कंपनी 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदलती है और देश का चौकीदार एक शब्द नहीं कहता है। एक शब्द नहीं, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या कारण है कि एक शब्द नहीं कहते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार राफेल जहाज खरीदती है, 136 जहाज, एचएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एचएल कंपनी सरकारी कंपनी है,
जैसे यहां बिजली की कंपनी प्राइवेटाइज कर दी, वैसे भी वहां 136 हवाई जहाज के बजाय 36 हवाई जहाज की डील हो जाती है। एचएएल से छीनकर नरेंद्र मोदी जी खास एक उद्योगपति को दिया जाता है। इस उद्योगपति ने अपनी पूरी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही। इस उद्योगपति पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मोदी जी जाकर पेरिस में स्वयं अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं तो रक्षा मंत्री गोवा में बैठे मच्छी की दुकान में मच्छी खरीद रहे हैं। फोटो है हाथ में मच्छी, ऐसे उनसे पत्रकार पूछ रहा, भैया ये क्या हुआ? रक्षा मंत्री कहते हैं हमें नहीं मालूम, प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए। हमने प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछे राफेल के बारे में। पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी आप बताइए, जो आपने ये डील बदली, हवाई जहाज का दाम बढ़ा या कम हुआ? दूसरा, ये आपने एचएएल से छीन कर अपने उद्योगपति मित्र को दिया, ये क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया, क्या कारण था? क्योंकि इस उद्योगपति ने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया और एचएएल 70 साल से बना रही। ये सवाल हमने नरेंद्र मोदी जी से पूछे। हमने उनसे यह भी पूछा कि डिफेंस का कोई भी मामला होता है तो निर्णय लेने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पूछा जाता है। जब आपने पेरिस में यह निर्णय लिया, क्या आपने इस कमेटी से पूछा हां या ना? सवालों का जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उल्टा पार्लियामेंट को बंद करा दिया। अजीब सी बात है, हर साल नवंबर में पार्लियामेंट खुलता है, पता नहीं क्या कारण है कि इस साल पार्लियामेंट बंद है और गुजरात के चुनाव के अगले दिन पार्लियामेंट खुलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि राफेल के मामले पर और जय शाह जी के मामले पर पार्लियामेंट हाउस में बातचीत हो। वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात की जनता देखे और समझे कि जय शाह के मामले में क्या हुआ और राफेल के मामले में क्या हुआ। मगर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है और यह अभी शुरुआत है। राफेल का मामला, जय शाह का मामला शुरुआत है। अभी बहुत सारे और सवाल हैं, इससे भी बड़े और सवाल हैं और वो सामने आएंगे, देश की जनता के सामने आएंगे, गुजरात की जनता के सामने आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव का समय है, गुजरात के भविष्य की बात है। हम आपको एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं, गुजरात की सरकार बनाएंगे, आपके हिसाब से सुनकर काम करेंगे। मैं आपको यहां से कहता हूं, बिना आपके पूछे, बिना आपकी बात सुने कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर निर्णय नहीं लेगा। वो जब ही निर्णय लेगा, वो आपके बीच में आकर किसानों से मिलकर उनकी बात सुनकर, सूरत में जो हमारे व्यापारी हैं उनकी बात सुनकर समझकर निर्णय लेगा। गब्बर सिंह टैक्स जैसा, नोटबंदी ने जैसा निर्णय हम नहीं लेंगे।
नुकसान नहीं करेंगे। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में, जो यहां अर्थक्वेक हुआ था, जिन लोगों को नुकसान हुआ था, जो आपको दर्द हुआ था, उन सब की हम याद करते हैं और दिल से उनकी याद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।